लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह खतरों के खिलाड़ी हैं और सरकार सिस्टम के मुंह पर तमाचा। खतरों के खिलाड़ी इसलिए हैं कि विद्युत ट्रांसफार्मर की गोद में मौत हथेली में लेकर धंधा सजाए हुए हैं और सिस्टम सरकार के मुंह पर तमाचा इसलिए है कि इन्हें सिस्टम हटा पाने में फेल हो चुका है तो सरकार इन्हें समझ पाने में फेल हो चुकी है। यह गर्मी के प्रचंड प्रहार का दंश है। गर्मी अपने चरम पर है। जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के दिनों में बिजली ट्रांसफार्मर से स्पार्क और फटने के हादसे अधिक बढ़ जाते हैं, पर इस समय ट्रांसफार्मर के हादसे को लेकर विभाग व अफसर कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है। यह वाकया व तस्वीरें छोटी बारी स्टैंड तिराहे के बगल में देखने को मिला है, जहां एक दुकानदार द्वारा ट्रांसफार्मर से सटे अस्थायी दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। बात विगत महीने की है। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से उक्त अस्थायी दुकान में आग लग गई। गनीमत यह रहा कि अगल बगल के दुकानदारों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। दुकानदार के आगे विभाग विवश है। इसी प्रकार का हादसा आज भी हुआ, जिससे स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अतिक्रमण नहीं हटा, जिससे नागरिकों में रोष व्याप्त है। जनपद महाराजगंज के टूटी बारी से मोहन चौधरी की रिपोर्ट।